वक्त हम एक बीओपी पर मौजूद हैं, बीओपी यानी बॉर्डर आउटपोस्ट। ये सरक्रीक के इलाके में बीएसएफ का एक बीओपी है, जहां से जो जवान है बीएसएफ के जवान, वो अपने सर्विलांस कह लें या फिर अपने ऑपरेशंस को अंजाम देते हैं। ये वो इलाका है जहां पर निगरानी बहुत ज़रूरी हो जाती है। ये पूरा इलाका खारे पानी का इलाका है और यहीं से जो तमाम जवान हैं अपने बोट से वो सर्विलांस कह लें या कह लें कि ऑपरेशंस को अंजाम देते हैं। ये जो बीओपी आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये एक फ्लोटिंग बीओपी है, यानी जो पानी में तैरता हुआ बीओपी है, और ये हमेशा जो है वो पानी में ही रहता है। जवान जो इस पर मौजूद रहते हैं वो इसी बीओपी पर रहते हैं और यहाँ पर उनके लिए वो तमाम सुविधाएँ जो है वो दी गई हैं। यहाँ पर उनकी ज़रूरत के लिहाज से इसे बनाया गया है। आपको बता दें कि ये कंट्रोल स्टेशन की तरह है, जैसे कि अगर इस पूरे इलाके में अगर कोई बीओपी बहुत दूर है तो ये बीओपी जो है ये उसकी भरपाई करता है, यहीं से सारे ऑपरेशंस होते हैं। अगर कोई जवान सर्विलांस करके वापस लौटता है तो अपनी नाव यहाँ लगाएगा और इसके बाद बोट के बाद यहाँ आकर आराम करेगा, खाना खाएगा, विश्राम करेगा। और ये पूरा इलाका अगर देखेंगे आगे आप, तो यहाँ से भारत पाक सीमा बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। ऐसे में ये फ्लोटिंग बीओपी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि बीएसएफ जो है वो सुरक्षा की पहली प्रहरी है। ऐसे में ये जो बीओपी है उस प्रहरी के लिए एक स्टेशन की तरह है, जो उसे दिन रात जो है एक तरह से कह लें कि शेल्टर दे रहा है, और एक तरीके से कह लें कि ये उसका दूसरा घर है। जो जवान इस वक्त जमीन वाले बीओपी पर नहीं हैं, वो यहाँ पर होते हैं, यहाँ से वो आपकी और हमारी सबकी सुरक्षा करते हैं। इस बीओपी पर अगर सबसे खास बात आप देखेंगे कि जवान जो है लगातार यहाँ पर पहरा दे रहे होते हैं, उनकी जो नज़र है वो चारों तरफ होती है। और अगर पूरा इलाका दलदल का है, ऐसे में इस दलदली इलाके में दुश्मन कभी भी हिमाकत कर सकता है। ऐसे में ये दिन रात चौकन्ना रहते हैं, दिन रात यहाँ से निगरानी ये करते रहते हैं। और इसके साथ साथ जो छोटी बोट्स हैं वो यहाँ से ऑपरेट होती हैं। छोटी बोट्स से भी जो संकरे इलाके हैं, जो कीचड़ वाले इलाके हैं, दलदल वाले इलाके हैं, वहाँ पर भी लगातार जो है निगरानी की जाती रहती है। ये जहाँ इस वक्त ये फ्लोटिंग बीओपी है, वो पूरा इलाका खारे पानी का है। ऐसे में यहाँ पर सर्वाइवल एक चैलेंज है, और इसी चैलेंज को बीएसएफ के जवान जो है वो लेते हैं, और इस चैलेंज को वो हर रोज़ देते हैं, और तब जाकर हम और आप जो है अपने घरों में सुरक्षित रह पाते हैं।